हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ताजे नारियल से शुद्ध नारियल का तेल घर पर कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो मैंने यहाँ पे दो बड़े नारियल लिए हैं तोड़ के, इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेना है इस तरह से। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे। इससे जब हम मिक्सर ग्राइंड करेंगे तब उसमें नारियल के पीसेस नहीं रहेंगे, वो अच्छा ग्राइंड हो जाएंगे। इसे पहले बिना पानी के ही ग्राइंड कर लें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे एक ग्लास तकरीबन, और इसे फिर से ग्राइंड कर लें। इस तरह से नारियल का जो पेस्ट है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। अब एक पतीले में एक सूती कपड़ा रख दें ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर जो नारियल का पेस्ट बना हुआ है वो हम डाल देंगे। इसी तरह से बाकी नारियल का भी पेस्ट बना लें। अब कपड़े को अच्छे से पकड़ के इसका दूध जो है वो अलग कर लें। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे बहुत ही अच्छे से नारियल का दूध निकल के आता है, ये देखिए। अब जो ये बचा हुआ नारियल का बुरादा है इसमें हम फिर से एक से दो ग्लास पानी डाल देना है। पहले हाथ से मिला लें और इसे फिर से मिक्सर ग्राइंड कर लें थोड़ा सा। इससे जो बचा हुआ नारियल का दूध होगा वो भी उस बुरादे से पूरा निकल आएगा, ये देखिए। इस तरह से हमने पूरा नारियल का दूध निकाल के रेडी कर लिया है। और जो ये बचा हुआ बुरादा है इसे सुखा के आप यूज कर सकते हैं। अब इस दूध को हम 12 से 13 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 12 से 13 घंटे बाद आप देखेंगे जैसे दूध में मलाई आती है उसी तरह से ये नारियल के दूध में भी ऊपर की तरफ मलाई आ जाती है। तो चम्मच की मदद से इसे ऊपर ऊपर की मलाई हम निकाल लेंगे दूसरे पतीले में। यहाँ पे ध्यान से हल्के से निकालें ताकि ये जो नीचे का पानी है वो इसमें मिक्स ना हो। वैसे तो हम इस नारियल के दूध को 20 से 25 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसके जो नीचे का पानी है उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही खराब आता है, तो मैंने इसे कम टाइम के लिए रखा है ताकि इसके जो नीचे पानी हो वो भी यूज में आए। अब ये जो पतला पानी है इसे हम पी सकते हैं या खाने में भी यूज कर सकते हैं। और ये जो हमारी गाढ़ी दूध की मलाई है अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो मीडियम आंच पे इसे गैस फ्लेम पे हमें इसे चलाते जाना है। जब इसमें उबाल आना शुरू होगा तब आप देख सकते हैं ये गाढ़ा बनना शुरू होगा, यानी कि जिस तरह से दूध में उफान आता है वैसे नहीं आता है, इसमें ये हल्का सा गाढ़ा बनना शुरू होता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद ये अच्छा उबलना चालू हो जाता है और इसके हल्के से चटकारे निकलते हैं। तो हम यहाँ पे एक ढक्कन ढक लेना है। तो आधा इस तरह से ढक लिया है मैंने ताकि इसके चटकारे भी ना लगे और इसकी भाप भी निकले। इस तरह से इसे सेट कर लें, ये देखिए। इसी तरह से हम 10 से 15 मिनट के लिए चलाते जाएंगे। जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तब इसके चटकारे निकलना बंद होंगे। तो जब तक हम इसी तरह से इसे ढकते और ये देखिए ये हल्का अब गाढ़ा बन चुका है। अब इसके ढक्कन ढकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस चम्मच से हमें चलाते जाना है मीडियम आंच पे। और ये हमारा तेल हल्का हल्का निकलना शुरू हो चुका है। चम्मच से इसे मिलाते रहना है। जब ये हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा तब हम फ्लेम एकदम कम करेंगे, नहीं तो तेल जो है वो जल्दी से जल सकता है। ब्राउन कलर आने तक हमें इसी तरह से इसे गर्म करना है, इससे जो तेल है वो अच्छा निकल आएगा बुरादे से। ये देखिए ये अच्छा ब्राउन कलर हो चुका है इसका। इससे ज्यादा ना करें नहीं तो तेल जो है वो जल सकता है। ये अच्छा तेल निकल रहा है हमारा। तो अब हम फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। ये बहुत ही अच्छा हमारा तेल बन गया है। इसे अब हम हल्का सा ठंडा होने देंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। हल्का ठंडा होने के बाद छन्नी से इसे छान लेना है। इससे तेल जो है वो बहुत ही आसानी से निकल आता है, ये देखिए। और ये हमारा नारियल का तेल घर पे बनके रेडी हो चुका है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।